अगली खबर में बात करते हैं भिंड की, जहां लहार विधानसभा प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का गढ़ है। वे पिछले 35 साल से लगातार यहां से विजयी होकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। इस क्षेत्र से नेता प्रतिपक्ष के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता आगामी चुनाव में विधायकी का उम्मीदवार बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह को देखना चाहते हैं। इसलिए लगातार लोग बीजेपी उपाध्यक्ष को अपने छोटे बड़े कार्यक्रमों में आमंत्रित कर रहे हैं। मेहगांव से पूर्व विधायक व बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश सिंह को भिंड जिले की सबसे प्राचीन रामलीला मंचन कमेटी लहार ने आमंत्रित किया। बीजेपी नेता ने भगवान श्री राम के दरबार की आरती में हिस्सा लेते हुए राम हनुमान व रामचरित मानस के गूढ़ रहस्यों को बताया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता से सवाल भी पूछा। हर साल रामलीला का मंचन होता है, दशहरा पर रावण मारते हैं, परंतु रावण मर नहीं रहा। इस पर विचार करो, क्या राम का बाण नहीं मिल रहा, या रावण की नाभि नहीं ढूंढ पा रहे हो, अथवा विभीषण नहीं मिल रहा। ये कटाक्ष पूर्ण शब्दों को मंच से बोलने पर जनता कुछ सेकंडों के लिए ठिठक गई। इसके बाद लोगों ने तालियां बजाते हुए स्वागत किया। श्री रामलीला मंच पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने अपने भाषण के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से कटाक्ष किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, चंबल की बेहड़ों के डकैत खत्म हो गए। शिवराज सरकार में कोई डकैत पनप नहीं पाया, परंतु अब ये शहरी क्षेत्र में डकैत है। जो सरकार से पैसा जनता के लिए आता है, उस पर डाका डाल रहे हैं, जनता के पैसों से कोठियां बना रहे हैं। ऐसे डकैतों पर शिवराज सरकार की नजर है, ऐसे डकैतों का सफाया प्रदेश की शिवराज सरकार करेगी। इसके बाद चौधरी मुकेश सिंह ने श्री रामलीला मंचन का लुफ्त उठाया। वे मंच से उतर कर सीधे पब्लिक के बीच जा पहुंचे। यहां उन्होंने जमीन पर बैठकर श्री रामलीला मंचन को देखा। रामलीला मंचन के दौरान लंका दहन करके वापस लौटे हनुमान व श्री राम एवं लक्ष्मण का संवाद को देखा। इस मौके पर क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता समेत भारी मात्रा में दर्शकगण मौजूद थे। या तो नाभि नहीं मिल रही, या कोई विभीषण नाभि बताने वाला नहीं मिल रहा, क्योंकि आप निरंतर भगवान राम तीर से एक एक करके सर काटते हैं और वो सर पुनः पुनर्जीवित हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, तब से डकैत रहे नहीं पेहड़ों में, अब कुछ एक शहरों में बचे हैं। उम्मीद है आगामी शिवराज जी की सरकार इन शहरी डकैतों को भी, इनका भी सफाया करने की मुहिम चलाएगी और जनता को इनके डाके से छुट्टी।